नमस्कार दोस्तों, एनसी फैशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चार कली का साया का कटिंग कैसे करें। बहुत आसान तरीका है दोस्तों, ये वीडियो के माध्यम से आप कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे। ये 2 मीटर कपड़ा है, साये में 2 मीटर लगता है कपड़ा। देखिए, हम इसको इस तरीके से खोल लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसको, देखिए इस तरीके से कर ले कपड़ा। इसके बाद सबसे पहले हम अपना बेल्ट का कपड़ा निकाल लेते हैं, यहाँ से एक किनारी से। देखिए, यहाँ किनारी है, यहाँ से ही हम बेल्ट का कपड़ा निकाल लेते हैं, लगभग 2 इंच का। यहाँ पे देखिए, हम बेल्ट का कपड़ा निकाल चुके हैं। अभी हम उनको कैसे कमर का रखना है, कितना कमर रहेगा, जैसा ये ब्लाउज है इसके अनुसार से आप रख सकते भी हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे लूजिंग, लगभग यहाँ पे आ रहा है कमर हमारा, लगभग इतना लूजिंग दे दें, इतना मार्जिन लगभग 39 इंच आ जाएगा आपका। ये बेल्ट रहेगा हमारा पतला है, साया का जो कमर रहता है पतला है, तो हम थोड़ा पतला ही रखेंगे। अभी इसके हिसाब से हम उसमें कली काटेंगे। देखिए, हम वो भी बताते हैं कैसे काटते हैं। इसमें डोरी निकाल लें, डोरी का कपड़ा, देखिए दोस्तों, हमें जो है हमारा ये डोरी रहेगा, ये साया का डोरी बनेगा। एक कपड़ा निकाल चुके हैं हम, इसको साइड रख लेते हैं। अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको कमेंट में बता देंगे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितना वीडियो रहे अपलोड करूँ आपके मोबाइल में पहुँच जाए, आप मेरा वीडियो देख सकें। अभी देखिए, अभी इसको इस तरीके से लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमारा सिलाई इतना जाएगा, निकलेगा इस तरीके से पकड़ना है आपको। और यहाँ से हम लगभग यहाँ से इस तरीके से दाब जितना छोड़ देना है, जितना सिलाई लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे कुटका लगा लें। देखिए, हम कुटका लगा लिए हैं। अभी इसको नाप लें कितना आ रहा है। देखिए, 11.5 इंच आ रहा है हमारा, 11.5 इंच यहाँ पे कुटका लगाए थे। और साया जब भी काटे इस तरीके से काटे, चार कली का साया परफेक्ट आएगा, घेरा भी रहेगा आपका एकदम अच्छा रहेगा। देखिए, 11.5 यहाँ पे आ रहा है हमारा, देखिए 11.5 आ रहा है यहाँ पे, इसमें भी हम कुटका लगा लें। कुटका लगाने के बाद दोस्तों, इस तरीके से पकड़े ये कुटका को, और ये जो कुटका है हम लगाए हैं इसको पकड़ के इस तरीके से कर लें क्रॉस, इसको इस तरीके से कर लें, ध्यान से देखिएगा। अभी इसको हम कटिंग कर लें। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों साया कटिंग करने का, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अभी ये जो है हम कली को एक बराबर मिला लें अच्छे तरीके से, कली को एक बराबर मिला के, इसके बाद देखिए हम इसको मिला लिए हैं कली को। अभी इस तरीके से आपको एक बराबर रखना है। देखिए, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा ही करना है आपको भी। अभी यहाँ पे जो है हमारा, इसको हम सीधा कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अभी हमारा लंबाई रहेगा, देखिए हमारा लंबाई रहेगा
2 इंच तो बेल्ट रहेगा हमारा, 2 इंच निकाल देते हैं ऊपर से, 2 इंच निकालने के बाद हमारा लंबाई रहेगा 35 इंच। 35 इंच हो गया, यहाँ पे हम माजी में जो हम फोल्डिंग रखेंगे उसके लिए इस तरीके से आप काट लें। आप जब भी सहायक कटिंग करें 4 कली का तो इस तरीके से करें, यहाँ पे जो रहता है हमारा थोड़ा राउंडिंग में रहता है। देखिए इस कटिंग कर लिए हैं और ये हम बेल्ट भी कटिंग कर लिए हैं और ये डोरी है। दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।